नमस्कार। आज आप लोग के बीच एक शानदार ही और जबरदस्त वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की डेट में, आज के जमाना में हर कोई लीडर बनना चाहता है और एक अच्छा नेम फेम कमाना चाहता है। लीडर मतलब क्या होता है, क्या गुण होते हैं उसको, लीडर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो मैं सारे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों लीडर जिसमें नेतृत्व का गुण होता है, जो लीड करता है, जो लोगों को बीच अपने प्रभाव को छोड़ता है, जो लोगों को बीच अपने छाप को छोड़ता है, जो लोगों के बीच अपनी बात को मनवाता है, मतलब कन्विंस करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, लीडर वही होता है दोस्त। और आज एक हर एक संस्था में, हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लीडर्स, एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक लीडर ही है जो एक बड़ा काम कर सकता है, एक बड़ा अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, बारीकी से आपको बताता हूँ। लीडर्स के मतलब फर्स्ट जो लेटर आता है एल, एल मतलब लीड बाई एग्जाम्पल, लीडर लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों लीडर में वो गुण होते हैं जो अपने दर्शकों को या अपने ऑडियंस को जो है किसी के एग्जांपल के द्वारा समझाता है, एग्जांपल के द्वारा उसको उदाहरण के द्वारा दिखाता है, समझाता है, तो उसको बहुत जल्दी तरीके से समझ में आता है। आप ऐसे भी देखो, कहीं भी कोई अगर आपको एग्जांपल के थ्रू किसी भी चीज को अगर समझाएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, गुण होता है दोस्तों ई फॉर एंथुसियास्टिक, मतलब एक उत्साहिक, एक एनर्जेटिक, ऊर्जा से परिपूर्ण भरे हुए। लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि मुरझाए हुए चेहरा है, लटकाए हुए चेहरा है, नहीं। लीडर का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, एक्साइटेड, बहुत उत्साहित होता है, उसमें जोश और जुनून होता है, तभी वो अपने ऑडियंस को या अपने दर्शकों को वो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करेगा, मतलब अपने ट्रांसफर करेगा। दोस्तों तो एक उत्साहित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है ए फॉर एम्बिशियस, मतलब लीडर में ऐसा गुण होना चाहिए, कुछ पाने का भूख हो, महत्वाकांक्षी हो, तड़प होना चाहिए। कोई भी अगर उसका गोल है या कहीं भी उसका गोल है, कोई एम है, कोई सपना है, तो उसके लिए उसके भूख होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। जिस तरीके से इंसान पानी के लिए, पीने के लिए तड़प जाता है, उस तरीके से उसको भूख होना चाहिए कुछ पाने के लिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। तो दोस्तों लीडर में ये सब गुण होना ही चाहिए। दोस्तों उसके बाद आता है डी फॉर डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है दोस्तों उसको जो है एक लक्ष्य पे एकाग्र होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर के, उसको कंसंट्रेट होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, महाभारत में आपने देखा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को गुरुकुल में शिक्षा दिए और शिक्षा देने के बाद वो जब परीक्षण कर रहे थे तो पांडव से और कौरवों साथ में सब लोग थे, तो उन लोगों से बारीकी बारीकी से पूछा कि इस पेड़ पे क्या दिख रहा है। तो किसी ने बोला पत्तियां दिख रहा है, किसी ने बोला पेड़ का टहनी दिख रहा, किसी ने कुछ बताया दोस्तों। लेकिन वही चीज जब अर्जुन से पूछा गया, क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और अब? अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है बस। डिटर माइंड, एकाग्र अपने लक्ष्य के ऊपर, किसी भी हालात में उसको अपने लक्ष्य ही दिखना चाहिए, उसका फोकस लक्ष्य पे होना चाहिए। दोस्तों ई, इसके बाद आता है ई फॉर एनकरेज, मतलब प्रोत्साहित, एनकरेज करना, दूसरे को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो होता है
आर, आर फॉर रीड टू लर्न एंड टीच। दोस्तों इतना ही नहीं, लीडर में एक सीखने पढ़ने लर्निंग करने का भी, यानी सीखने और सिखाने का गुण होना चाहिए। लीडर्स में सीखने और सिखाने का भी गुण होना चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा, तभी वो बड़ा मुकाम पे जा पाएगा। तो रीड टू लर्न एंड टीच, हमेशा सीखना और सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो लीडर्स में छह गुण होता है दोस्तों, एल ई ए डी ई आर, लीडर्स। मैं आपको छह लेटर से, यानी छह डिजिट से आपको सारा का डिफाइन किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।